फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, शॉप नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। राज्यसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के सियासी संकट टलने का नाम नहीं ले रहे। आज सुबह 6 बजे हुआ ये कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बेंगलुरु पहुंच गए। बता दें, बेंगलुरु में कांग्रेस के बागी विधायक रुके हुए हैं। ऐसे में उन्हीं बागी विधायकों से मिलने पहुंच गए दिग्विजय सिंह, लेकिन वहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया है। उसी पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारे विधायकों से मिलने पर हमें क्यों रोका जा रहा है। और यहां आपको वीडियो दिखाते हैं कि पुलिस के उन्हें रोकने के बाद किस तरह से वे सड़क पर बैठ गए हैं। रामदा होटल के पास बागी विधायकों से मिलने को लेकर धरने पर बैठ गए दिग्विजय सिंह, जहां से पुलिस ने उन्हें हटाया और थाने लेकर चली गई। अब बेंगलुरु पुलिस ने उन्हें एहतियातन हिरासत में लिया हुआ है। आप देख रहे हैं हम लोग और मैं, एक्स चीफ मिनिस्टर और मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह, जो कि राज्यसभा के इलेक्शन का कैंडिडेट हूँ। 26 तारीख को वोटिंग है। मेरे 22 MLA यहाँ पर रोके हुए हैं। वो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। उनके फोन छीन लिए गए हैं, ठीक है। पुलिस वाले उनसे बात भी नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है। कहते हैं उनको सिक्योरिटी थ्रेट है, ठीक है। मैंने कहा मैं गांधीवादी आदमी हूँ, मेरे ऊपर 5 न बम है, न हथियार है, न पिस्तौल है, न राइफल है, ठीक है। मुझे अकेले ले जाएं, ठीक है। उनसे मिलवा दें, मुझे संतुष्टि हो जाएगी, मैं वापस चला जाऊंगा, ठीक है। उसमें क्या आपत्ति है? वे भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनके साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा और कांतिलाल भूरिया भी मौजूद हैं। विधानसभा MP प्रजापति ने रात को एक पत्र राज्यपाल लालजी टंडन को लिखा था, जिसमें लापता विधायकों को वापस लाने की अपील की थी, जिस पर करीबन 3 बजे राज्यपाल ने जवाब देते हुए कहा कि MLA के संदेश तो मिल रहे हैं, पर आपकी चिंता वाजिब है। वहीं लगातार खिताबत चल रही है। राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री कमलनाथ और विपक्ष के नेता शिवराज सिंह चौहान के बीच वह लगातार एक दूसरे को खत लिख रहे हैं। और आज ही सुप्रीम कोर्ट में बहुमत परीक्षण कराने वाले मामले पर सुनवाई होनी है। इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट।